गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और मॉर्निंग के हो रहे हैं 10:30। मैं जा रही हूँ स्कूल किसी काम से। इनके स्कूल जाना है मुझे, आज का काम ये है मेरा। अब मैंने बाबू की मालिश कर दी है, आके इसको थोड़ा नहलाऊंगी या जो भी करना है देखूंगी टाइमिंग के हिसाब से। क्लीनिंग करके इसके कपड़े चेंज करूंगी, पर मालिश करके अभी ये थोड़ी देर खेलेंगे बाबू। और घर का काम तो हो गया हमारा 10:30 से पहले ही, क्योंकि 5 बजे चली जाती है कौन राघवी स्कूल, 8:30 बजे ईशा, तो घर एकदम शांत। बच्चों से ही वैसे घर होता है, तो घर तो है हल्ला वल्ला वाला ही सही लगता है। तो अभी तो फिलहाल सिर्फ रसोई के हालात मेरे खराब हैं, जो आके मैं बर्तन धोऊंगी। अभी स्कूल का काम करवाना है तो रसोई मेरी हमेशा ऐसी मिलेगी सुबह दोपहर शाम, तो बस इसे ठीक करना होता, आके ठीक करूंगी। और आज बनेंगे मेथी आलू। मैं और प्रिया दोनों ही जा रहे हैं इसके स्कूल, क्योंकि मैडम ने बोला था कि स्टूडेंट को साथ लेके आना है, कुछ पेपर्स चाहिए हमें स्कूल से, दोनों के ही साइन होंगे, तो इसलिए हम दोनों वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं। और हम पहुंच गए, बस अब काम खत्म हो गया है और हमने सोचा फिर बाहर आए तो कुछ नाश्ता कर लें। तो दोनों ने कचौड़ी मारी, सुबह इंजॉय किया और घर चल दिए हम रिक्शे में बैठ के। नाश्ते में मैंने थोड़े फैन पापे भी ले लिए, क्योंकि चाय के नाश्ते के साथ फैन पापे भी मुझे सही लगते हैं खाने में, और बिस्किट खाते खाते तो मैं बोर हो गई हूँ, तो मैंने थोड़े से फैन और पापे खरीद लिए ताकि नाश्ते में खा सकूं। हम रिक्शे में बैठ गए भैया से 10 रुपए कम करा के, और भैया कह रहे हैं कि इतने ही लगते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी कर लेना चाहिए। तो रिक्शे से जा रहे हैं हम घर, फैन पापे लेके कचौड़ी खा के फालतू के सारे काम करके। अब आ गए हैं घर, कहाँ से, स्कूल से। स्कूल से काम खत्म होने के बाद हम घर आ गए, और 11:30 हो रहे हैं, अभी तक खाने का कुछ हमारा पता नहीं कि क्या बनेगा क्या नहीं। मेथी है वो आधी खराब हो चुकी थी, क्योंकि कोई फल सब्जी ऐसे लाते तो हम बड़े शौक से, और बनती टाइम पे नहीं है, और वो आधी फिकती है, फिर वो फायदा नहीं रहता उस चीज का। तो मेथी मैं 2-3 दिन पहले लाई थी और वो आधी बिल्कुल टाइम फिस हो चुकी है, आधी है। तो अभी देखना है कि कौन सी सब्जी बनाऊंगी, बनाती हूँ। चलो क्या बनाऊं बता, मैं बताऊं, तू बता, नहीं पता कुछ इसे, कुछ किसी को कुछ नहीं पता रहता, वो अपनी मर्जी से बनाती हूँ। अब जो कोई मुंह बनाएगा वो खुद जिम्मेदार होगा। नहीं हम खा लेते हैं। तो शाम के बज गए हैं 3:30, अभी 4 भी नहीं बजे, मैंने सोचा 4 बज गए हैं, और मैंने बना ली है चाय। और आज मैं एक चीज और ले आई हूँ सुबह, आपको पता है मैंने फैन पापे ले रही थी मैं सुबह, और भैया मुझे पैसे ज्यादा दे रहे थे, उनको मैंने रिटर्न कर दिए 10 रुपए। 10 रुपए की ईमानदारी दिखाई आज मैंने, 10 रुपए वापस कर दिए, 10 रुपए तुरतुरे खा लेंगे भैया। हाँ बाबू, हाँ मेरा बाबू बुला रहा है, अंधेरे में सो रहा है, बोलो। अरे बोलो तो सही, पहले बताओ, नहीं पहले बताओ, मैं वीडियो में ही बताऊंगी तुम्हें, वीडियो में नहीं आना चाहती है बस, किसी भी बताना बिट्टू, 4:15 हो गए, 3:30 भी नहीं हो रहे, जल्दी बता क्या चाहिए। चाय चाहिए आपको, चाय बिस्कुट खाओगे क्या, चलो मैं ये बंद कर रही हूँ, आप आओगे नहीं, देखो अंधेरा हो। तो शाम के हो रहे हैं 7:10 और इनको नींद आ रही है, और इस वक्त सो गए तो सुबह उठना मुश्किल हो जाएगा, या तो ये 9 बजे सोए तो बाबू सुबह जल्दी जागोगे आप, मतलब मुझे भूख नहीं लग रही, भूख तो बाबू कल मुझे भी नहीं लग रही थी नींद से, अब सुबह 5 बजे के आप जाग रहे हो, और दिन में आप सोओगे नहीं, तो यही हाल होता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है, मुझे नींद बहुत आ रही है, और छोटी जो है ईशा वो तो सो चुकी है, मैं दिखाती हूँ, ईशा सो रही है, बेवक्त जागेगी 12-1 बजे, हमें भी परेशान करेगी वो लड़की। तो ये बेवक्त सो रहे हैं ईशा जी, और ये अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, और क्या करना है हमको अभी फिलहाल, खाना खाना है, खाना खा के फिर इनको सुलाऊंगी। तो खाना भी हमारा अभी रेडी होने वाला है,
तो आलू भरी की सब्जी है ये, पर इसमें थोड़ा सा तेल ज्यादा लग रहा है हमें आज। कोई बात नहीं, एकदम सोयाबीन की नहीं, मूंग की दाल और आलू की सब्जी बनाई हमने आज, और चावल बनने वाले हैं, बस बच्चों को खिला के चाहे वो 8 बजे तक सो जाएं। फिर बाबू तू भी सो जाएगा बिट्टू, तो फिर कैसे होगा? देख सोफा सबने घेर रखा है, मतलब यहाँ पर ही वो छोटी सो के गई थी, अब तू सो जाएगा, सुबह स्कूल कैसे जाएगा बाबू? मैं इसलिए कहती हूँ आओ स्कूल से, 1 घंटा सो जाओ, 3 से 4 खाना खा के सो जाओ। यहाँ हाँ, जब तुम्हें नींद नहीं आती, जब मैं ये कर रहा था वो कर रहा था, 4 से 5 भी सो सकती थी ना तू बाबू। अब देखियो 7:15 हो रहे हैं घड़ी में, इस में टाइम सही दिख रहा है क्योंकि बैग से बना रही हूँ ना वीडियो। बाबू खड़ा हो जा बिट्टू प्लीज, खाना खा के फिर सो जाइयो चाहे, ठीक है? भूख लगेगी अभी खाना ला रही हूँ मैं, ठीक है? वो सब चढ़ जाएगी, दादा टेंशन ना, ठीक है ठीक है। बाबू उठ जाओ, 8 बज गए, खाना खा लो छोटे। तो बाकी बच्चों ने तो खाना खा लिया है, मैंने भी खा लिया है, और मेरे बाबू ईशा ने नहीं खाया, रात के 8 बजे हैं, 8 बजे कोई नहीं सोता है। बिट्टू उठ जाओ, नींद में बात कर रही है। तो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, फिर कल मिलेंगे आपसे, अभी ये खा पी के ये भी सो जाएंगे सभी। बाय बाय।